आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, आइए खबर विस्तार। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा इको पार्क पहली बार इसमें ही हुआ खंडहर में तब्दील। प्रेमकेट की भराई में जुड़े एजेंसी। बिहार बगहा अनुमंडल क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर के वाल्मीकि नगर में बन रहा इको पार्क का निर्माण कराए जाने में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। इस नवनिर्मित इको पार्क में किए गए कार्य का पोल बरसात के पहले ही चरण में खुल गया। खबरें विस्तार से बताते चले कि इस नवनिर्मित इको पार्क में किया गया कार्य बरसात के पहले ही चरण के बाढ़ में आसपास के विभिन्न स्थानों को क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से रेनकोट को भरने का कार्य एजेंसी के द्वारा जोर शोर में किया जा रहा है ताकि पहले की गलती को छुपाया जा सके। जिस पार्क में किया गया कार्य बरसात के पानी में खंडहर में तब्दील होने का रास्ता भी दिखाई देने लगा है। जिस कार्य को गंडक विभागीय अभियंता और संवेदक द्वारा कराया गया है। इको निर्माण पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर अंतिम छोर तक पीसीसी सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें मिली जुली विभागीय अनदेखी के कारण रोड निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री उत्काला चिप्स सीमेंट के साथ ही बालू सोंड का प्रयोग किया जाना था, लेकिन कनीय अभियंता के समक्ष उपस्थित रहने के बावजूद भी कार्य को देखते हुए किसी अन्य लोकल किस्म के सामग्री से पीसीसी नव निर्मित निर्माण कार्य को नालंदा ट्यूबवेल कंपनी द्वारा लिया गया। कार्य को जैसे तैसे किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि जमीन में लगी लोहे सरिया का जाली बिछाने के साथ दूर दूर जैसे तैसे बांध कर कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। मौके पर मौजूद पहुंचे संवाददाता द्वारा एस्टिमेट में प्रयोग होने वाली सामग्री की लिस्ट को जब कंपनी मैनेजर से मांगा गया तो दिखाने में आनाकानी करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, कंपनी के द्वारा हमें जैसा बोला गया है हम वैसा ही कर रहे हैं। KK News 24 बिहार से विजय कुमार शर्मा।